हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन फिजिक्स क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ द टॉपिक्स विच वर लेफ्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो. इन द टॉपिक्स आर, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज रिवीजन सेशन. ओके, दिस इज रिवीजन सेशन एंड दीज वीडियोज आर बेस्ड ऑन रिवीजन बेसिकली. ओके, the topics which we will cover in this videos are graphical representation, distance time graph, velocity time graph, equations of motion and circular motion. So we will discuss them one by one. Let us start with graphical representation of motion. So what is graph? First we have to know about it. What is graph? Graph kya hota hai? Comparison between two quantities. वन ऑन एक्स एक्सिस एंड अनादर वन इज गिवन ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है? हमारा टू डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरी क्या है, वाई एक्सिस. तो जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वही ग्राफ कहलाएगा. लाइक वी आर कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. तो द ग्राफ इज सेट टू बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के डिफरेंस पे, सपोज अगर हम स्टार्टिंग करें 7 AM से, तो अगले 8 AM पे उसने 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. अगले एक घंटे बाद उसने अगले 5 घंटे का किया, तो स्पीड विल रिमेन सेम. तो स्पीड क्या होगी? उसकी सेम होगी, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम क्या निकाल लेंगे? उसकी स्पीड निकाल लेंगे. और अगर स्पीड सारे पॉइंट्स पे एक जैसी आ रही है, लाइक 5 किलोमीटर पर आर आ रही है या 10 किलोमीटर पर आ रही है, तो इसका मतलब द यूनिफॉर्म स्पीड इज देयर. तो वहाँ जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. एंड इफ स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो जाएगा. अनइक्वल का मतलब ग्राफ विल चेंज. ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि अनइवन हो जाएगा. अनइवन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. क्या हो जाएगा ग्राफ आपका? अनइवन. तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो हेयर टू ग्राफ्स आर, आई एम शोइंग टू ग्राफ्स आर हेयर ना, वन फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनादर वन फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. व्हाई इट इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? बिकॉज वन एक्सिस is represent distance and another axis is represent time here. That's why it is distance time graph. अगर हम distance की जगह velocity ले लें तो graph is said to be velocity time graph. कि हम compare किस किस के बीच में कर रहे हैं? velocity के बीच में और time के बीच में. okay? देखिए अब हम क्या करें. देखिए यहाँ पर t1 t2, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं. तो स्पीड निकालने के लिए क्या है हमारा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है हमारा? टाइम t1 t2 t3, ठीक है. और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर्स डाल दिए हैं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं ये क्या है आपकी? यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारी स्पीड आएगी, अभी बताया मैंने कि स्पीड आएगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म. बिकॉज टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम इक्वल. ओके, तो उनकी स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. तो जब स्पीड कांस्टेंट है आपकी तो लाइन विल बी स्ट्रेट. अनादर वन इज रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहां देखिए आप, वेलोसिटी इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज गिवन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक क्या है आपका? यूनिफॉर्म मोशन. और दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यानी कि जो स्पीड है आपकी वो क्या है आपकी? आपका डिस्टेंस विल रिमेन सेम. और टाइम क्या हो रहा है? टाइम को तो आप नहीं रोक सकते. टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. लेकिन वहाँ पे क्या
अगर कहीं स्टेबल है वो 10 किलोमीटर पर आर पर जाकर वो स्टेबल हो गया, ठीक है, और वो कंटिन्यूस 10 किलोमीटर पर आर ही चलेगा, लेकिन 10 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या आ जाएगी हमारी एक स्टेशनरी लाइन आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी आपकी पैरेलल लाइन आ जाएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, तो ये जो मोशन होगा वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अब ये किसके लिए है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से, एक एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ओके। तो क्या है ये, एक्सीलरेशन, इसीलिए एक्सीलरेशन है क्योंकि यहाँ ये डिपेंड किस पे कर रहा है आपका, वेलोसिटी पर, तो लाइन विल बी स्ट्रेट और दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। लाइक द ग्राफ, देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इजीली वी कैन फाइंड द एरिया विच विल कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, इट्स अ बेसिक थीम ऑफ फिजिक्स एंड ऑल थ्री इक्वेशंस आर गिवन बाय न्यूटन। तो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। स्टूडेंट हेयर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज v हेयर, व्हाट इज u हेयर, व्हाट इज a हेयर एंड व्हाट इज t। एंड नेक्स्ट वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड वन इज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो वी विल डू दैम मैथमेटिकली बाय ग्राफ, ओके। तो फर्स्ट व्हाट इज v हेयर, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम हेयर, s इज डिस्टेंस, दीज क्वांटिटीज आर गिवन इन बिटवीन, ओके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम रिलेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। स्टार्टिंग से क्या हो रहा है यहाँ पर, ए टू बी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ हमने क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया। बहुत ध्यान से देखना, एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, कौन से एक्सिस पे, आपके एक्स एक्सिस पे भी और एक वाई एक्सिस पे भी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्लोप है वो क्या है, स्लोप क्या होता है हमारा जो राइज होता है कि कितना ऊपर उठा हुआ है, और रन क्या है, जितना चला है। तो राइज तो हमारा क्या है, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप कहाँ से यहाँ तक है, देखिए ए टू बी क्या है हमारा, स्लोप, और स्लोप किसके इक्वलेंट होता है हमारा, राइज अपॉन रन। तो राइज कितना हो रहा है हमारा, बी डी कितना ऊँचा उठा है यहाँ से, इस पॉइंट से ए से ये कितना ऊंचा उठा है हमारा, बी डी, और नीचे ये चला कितना है आपका, ए डी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पे डी की, देखिए स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है दैट इज इंडिकेटेड बाय यू, और फाइनल जो वेलोसिटी है दैट इज इंडिकेटेड बाय वी, ठीक है। और ओ सी इज इक्वल्स टू टाइम, ओ सी किसके इक्वलेंट है, टाइम के। तो ओ सी के इक्वलेंट ही क्या है आपका, ए डी है, तो दैट इज ऑल्सो टी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ए बी, ए बी यानी कि स्लोप हमारा किसके बराबर है, अगर हम निकालें स्लोप हमारा किसके बराबर है, तो पूरी हमारी लाइन हो गई बी सी माइनस सी डी। बी सी अगर हमें बी डी निकालना है तो बी डी कैसे निकालेंगे, हम पूरी जो होल लाइन है वो माइनस सी डी और डिवाइडेड बाय ए डी, ठीक है। अब हम बात करें ए, ए बी क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। स्लोप की अगर बात करेंगे तो क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज, ओके। तो बी सी, बी सी क्या है पूरा हमारा, पूरी होल लाइन किसके इक्विलेंट है हमारी, वी के इक्विलेंट है। और सी डी हमारा किसके इक्विलेंट है, यू के इक्विलेंट है। और ए डी किसके है, टी के। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, एंड द इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है ये हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है,
सिंगल ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये इसी ग्राफ से हमारी तीनों इक्वेशंस निकलेंगी। अब हमें कुछ नहीं करना, खाली ये देखना है जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसमें हमारा हो क्या रहा है, जो एरिया है वो एरिए में क्या क्या कौन कौन सी फिगर बन रही है। तो एक तो बन रही है हमारी रेक्टेंगल, और एक बन रहा है हमारा, एक पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम के अंदर एक रेक्टेंगल होता है और एक ट्राइंगल होता है। तो एरिया ऑफ ए ओ बी सी, लिसन केयरफुली, ए ओ बी सी और ओ ए बी सी किसके इक्विवेलेंट है, एक तो रेक्टेंगल के, कौन सा है रेक्टेंगल, ओ सी डी ए, ओ सी डी ए इज रेक्टेंगल, एंड वन ट्राइंगल इज ऑल्सो हेयर, ए बी डी, ए बी डी, दीज टू फिगर्स आर सीन हेयर ना। कौन कौन से दिख रही हैं आपको, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो लेंथ इंटू वेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, उसकी विड्थ लेनी है। तो क्या हो जाएगी हमारी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ओ सी मल्टीप्लीकेशन बाय ओ ए, ये क्या हो गया हमारा एल इन टू बी प्लस हाफ एज इट इज। ए डी की जगह हमने क्या रख दिया, बेस क्या है हमारा ट्राइंगल का ए डी, और बी डी की जगह हमारा क्या हो गया, बी सी माइनस सी डी। तो बी सी माइनस सी डी मेरा किसके इक्वलेंट था, किसके इक्वलेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, बी माइनस यू। ओ सी की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर लाइन्स विच इज गिवन इन द ग्राफ्स, ग्राफ में दी हुई हैं आपकी, ठीक है सारी। ओ सी किसके इक्वलेंट है, टी के। ओ ए किसके इक्वलेंट हो गया आपका, यू के। हाफ एज इट इज आ गया आपका। ए डी अगेन किसके इक्वलेंट हो गया, टी के, एंड वी माइनस यू, और वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। वी हैव जस्ट सीन इन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वलेंट टू ए टी। तो हमारा क्या है, ये पूरा क्या निकल रहा है हमारा, एरिया, एरिया अंडर स्लोप, ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय एस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल में हमसे पूछ क्या रहे हैं, और हमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अभी हम सेकेंड इक्वेशन में ये देख के चुके हैं कि हमने दो फिगर ली, कौन कौन सी दो फिगर ली, वन वॉज रेक्टेंगल एंड अनादर वन वॉज ट्राइंगल, ओके, वन वॉज रेक्टेंगल एंड अनादर वन वॉज ट्राइंगल। तो अब यहाँ हम बात करें सेम एरिया अंडर स्लोप, क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम, विच ट्रेपेजियम हेयर, ओ ए बी सी इज सी हेयर, ठीक है, यही दिखाई दे रहा है हमें। तो हमारा क्या हो गया हाफ, क्या होता है हमारा एरिया हाफ, क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सम, विच वन ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ओ ए एंड बी सी आर टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, ओ ए और बी सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब हमें कुछ नहीं, हमें वैल्यूज रखनी है खाली, एस इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। तो मुझे क्या करना है, v की वैल्यू मेरी क्या थी, u प्लस ए टी, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पर u की, क्या रखनी है, एज इट इज़ मुझे क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू रख दी मैंने, v माइनस यू अपॉन ए, और हमारे पास ऑलरेडी है हाफ v प्लस यू, तो सीधा सीधा ऊपर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a इक्वल टू s। तो ये क्या आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2as, क्या आ गया हमारा 2as, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड द इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये निकली किससे है हमारी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया अंडर स्लोप इज इक्वलेंट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एंड विच वन ट्रेपेजियम इज हेयर, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। और ये हुआ कैसे है हमारा, ग्राफ से,
एक सिंगल जो ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसी से हमने तीनों इक्वेशंस निकाल लिए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब देखिए, अगर इन्हीं इक्वेशंस को हम अंडर ग्रेविटी यूज करें, ठीक है, बी केयरफुल, लिसन केयरफुल, इनको अगर हम कैसे यूज कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, तो जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा हाइट में, यानी कि एस रिप्लेस कर देगा एच को। एस किसको रिप्लेस कर देगा? हमारे एच को। और जो हमारा ए है एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज आल्सो लेफ्ट डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर पाथ। वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर पाथ। व्हाट इज सर्कुलर पाथ? इट मीन्स गिवन पाथ इज इन फॉर्म ऑफ सर्किल। ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए? आपका सर्किल की फॉर्म में होना चाहिए। अब सर्किल में अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होगी दैट इज ऑल्सो क्या होगी आपकी? 2πr। यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 2πr। अगर एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर O is a middle point and R is a radius। अगर ये starting के point से, arrow is also showing here ना, arrow दिख रही है, यहाँ पर मैंने start किया A से, अगर इसने किसी भी object ने पूरा round वो किया, ठीक है, और वापस कहाँ आ गया? A पर आ गया, तो एक round लगाया, circumference यानी कि पूरा circle cover करके आया है, तो circumference क्या हो गया उसकी? 2πr। अगर दो revolution लगाए तो 2πr मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 लगाए तो 2πr मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डन बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज 2πr डिवाइडेड बाय टी। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होगा, 2πr और डिवाइडेड बाय टी। नथिंग इज डिफिकल्ट, खाली क्या है आपका सर्कुलर पाथ की बात करें हम, डिस्टेंस हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एंड सर्कुलर पाथ में हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? 2πr। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम एज यूजुअल जितना भी दिया हुआ होगा टी। अगर मैं बात करूँ आपसे कि 5 रिवोल्यूशंस हैव डन बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अगेन वी हैव टू राइट 2πr अपॉन टी बट मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज हम जो निकाल रहे हैं स्पीड वो एक रिवोल्यूशन, एक चक उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम 5 टाइम उसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 का निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिविजन में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। और अब जो हमारे वीडियोस आएंगे, जितने भी हमारे गए हैं वो किससे आएंगे? पर्सनल चैनल से। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक के लिए नहीं बोल रही हूँ कि लाइक करो कि डिसलाइक करो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लेना, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन, ओके, ऑफ पर्टिकुलर कि आपके पास आ रहा है कि नहीं, वीडियो है कि नहीं, वीडियो इज़ अवेलेबल और नॉट, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, हमारे जो इसी चैप्टर, जो मोशन चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।